हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के बाबू। सो गाइस, आज का ब्लॉग अपन ये वाली रेड ब्यूटी में करने वाले हैं, जो अभी ब्रांड न्यू 2023 का ही मॉडल है ना। तो हमने सोचा आरसी में तो बहुत वीडियो शूट कर, मतलब ब्लॉग बना लिया, क्यों ना इन पे भी बनाया जाए। तो आज अपन नाइट राइड करने वाले हैं साइन 125 में। और गाइस, इसकी खास बात तो ये है कि इस खास बात बताने की ज़रूरत ही नहीं, हर कोई जानता है ना, इसका माइलेज, इसका कंफर्ट, मतलब हर एक चीज़ भाई। और अभी के साइन में ये देखो गाइस, मतलब फोग लैंप भी चेंज कर दिया है, तो इससे काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है। और ये अपने दोस्त की गाड़ी है, तो हम बोले चलो आज क्यों ना इसी में एक छोटी सी नाइट राइड की जाए। ठीक है गाइस, तो अभी फटाफट से चलते हैं। तो ये देख रहे हो गाइस, सीट मतलब इतना कंफर्ट है ना कि क्या ही बोले। पल्सर, हाँ हमारी पल्सर की सीट जितनी हार्ड है उतनी तो नहीं है भाई। और गाइस, अभी अपन मतलब सिटी में नहीं राइड करेंगे, अभी तो विलेज में ही राइड करेंगे। क्या है, अभी सिटी जाने के लिए टाइम भी बहुत हो चुका है, तो हमने बोला क्यों ना आज लोकल में ही कर लिया जाए राइड छोटी सी। देख रहे हो भाई, ट्रिपल सीट, वो भी स्कूटी की जान ले ली है भाई। खैर जो भी है, सो ये देख रहे हो भाई, ये भी ट्रिपल सीट। और इंडिया में तो ये सब लगता है कंपलसरी है, ट्रिपल सीट चलना बिना हेलमेट के, मतलब जिसको जैसा लगता है वैसा, बस स्टार्ट किए गाड़ी और निकलते निकले। और अभी अपन चल रहे हैं गाइस थोड़ा स्लो, 30-35 की अपनी स्पीड है, और रोड में गड्ढे वगैरह बहुत ज़्यादा है गाइस, इसलिए हम थोड़ा आराम से ही चल रहे, ताकि हमें भी कोई नुकसान ना हो और सामने वालों को भी ना हो और गाड़ी को भी ना हो। देख रहे हो गाइस स्प्लेंडर, ये दूसरा स्प्लेंडर भाई, क्या ही बोले यार, इनका कट मारते हुए जा रहे भाई, बट कोई नहीं, हम कट नहीं मारेंगे, क्योंकि भाई सामने वाले को यदि अच्छा लग रहा है तो वो करे ना, उनको देखकर हम भी उन्हीं की तरह बन जाएं तो मज़ा नहीं आता भाई। देख रहे हैं स्प्लेंडर की लाइन लगी, पहला स्प्लेंडर, दूसरा स्प्लेंडर, ये तीसरा स्प्लेंडर, और सामने एक चौथा स्प्लेंडर। तो भाई भाई भाई, साफ बना दिया भाई। देख रहे हो गाइस, मतलब ये है स्प्लेंडर वाले भाई साहब। और सबसे बड़ी चीज़ गाइस, KTM जैसी गाड़ियाँ छपरी नहीं है, छपरी चलाने वाले होते हैं भाई। जो छपरी राइडर है ना, उसको कोई भी बाइक दो वो चलाएगा छपरी की तरह ही। तो मैटर ये नहीं करता कि भाई बाइक छपरी है, बाइक छपरी नहीं है भाई, उसको तो तुम जैसा चलाओ वैसा चलेंगी ना। मैटर ये है कि भाई छपरी लोग होते हैं। अभी देख लो स्प्लेंडर में ये छपरी पना कर रहे हैं, मतलब कभी लेफ्ट कभी राइट, बस आने दो, मतलब कोई पीछे से चल रहा है कोई आगे चल रहा है कोई मतलब नहीं। यार लोग खामा खा भाई KTM जैसी गाड़ी को छपरी बना के रखा है, छपरी पना तो लोग R1 में भी करते। बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी है जिनमें जो चलाने वाले ही है ना छपरी, वो तो भाई उसके हाथ में कोई भी गाड़ी आए छपरी पना करेगा ही करेगा। इसलिए भाई गाड़ियों को क्लेम ना किया करो, ठीक है। और ये गणपति बप्पा सामने में बहुत चीखल है गाइस, क्या करें, बारिश ही इतना हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है, मतलब डेली बारिश हो रही भाई। ओ भाई साहब, देख रहे हो पापा की परी ओवरटेक करते हुए भाई, थोड़ा हम तो पीछे ही रह लेंगे भाई, हमें नहीं जाना इनके आगे, वरना गलती हमारी ही होंगी, ठीक है।